हाँ हम लाइव है, हाँ लाइव है अभी, और रिकॉर्डिंग भी चालू कर दें। एक मिनट है, एक मिनट। हाँ सुनीलम जी, शुरू करते हैं हम। लाइव शुरू हो गया है। आज हम बात करेंगे, जनता का आईना में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम जो पहले एमएलए रह चुके हैं और सभी आंदोलन में, देश के सभी समाजवादी और समानता के लिए लड़ने वाले सभी आंदोलनों में वो हमेशा शामिल रहते हैं, और इन आंदोलनों के कारण उन पर 140 केस हो चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए किसान संघर्ष समिति बनाई है, और पूरे देश में 250 किसान संगठनों का जो एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसी उसके भी वो मुख्य सदस्य हैं। तो ऐसे, और एनएपीएम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो देश भर के जो संगठन है उनका राष्ट्रीय समन्वय है, उसके भी वो प्रमुख हैं अभी। तो ऐसे डॉक्टर सुनीलम जो किसानों के लिए हमेशा काम करते हैं, आज जब किसानों पर संकट आया है, किसान आज के दिन पूरे आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार ने जो तीन कानून बनाए हैं, सरकार ने तीन कानून बनाए हैं, और सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में है, किसान जहाँ चाहे अपना माल बेच सकता है, किसान किसान कितना भी माल बेच सकता है, क्योंकि उन्होंने स्टोरेज के लिए भी जो पर्याय थे व्यापारियों के वो खुले कर दिए हैं, तो अभी वो कितना भी अनाज खरीद सकते हैं और अपना स्टोरेज कर सकते हैं और कहीं पे भी जाकर बेच सकते हैं। तो ये सब कानून होने के बाद, और इसके बाद डॉक्टर सुनीलम जी, ये विरोध किस लिए है? तीन दिन सरकार ने कानून लाया और सरकार कह रही है कि इससे किसानों का हित होने वाला है, तो आपका विरोध क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। जनता का आईना जो है उसने ऐसे समय में, वो भी मुंबई से, जब पूरा का पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है, रिया, शशांक और अभी तो दीपिका पादुकोणे जी के साथ में जो है पूरा संलग्न है, ऐसे समय में आपके चैनल ने ये अवसर दिया कि वो किसानों के मुद्दे के ऊपर चर्चा करने का काम करें, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं किसानों की ओर से। आखिरकार किसान की जरूरत क्या है? पहली बात तो ये पूछना हमें ये है सरकार से कि किसी देश के किसान संगठन ने सरकार से ये कहा था क्या कि ये हमको ये तीन कानून या उसके साथ में एक विद्युत संशोधन बिल को जोड़ दिया जाए तो ये चार कानून हमें चाहिए? ये किसके लिए बना रहे हैं आप? किसकी इच्छा से आप ये बना रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? और आपने कोरोना काल को ही क्यों चुना है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि जब एग्रो बिजनेस वाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है जब इसका स्वागत कर देता है और किसान जो है इसके विरोध में बंद कर देते हैं, तो ये बात आपको एकदम साफ हो जाती है कि ये किसके लिए लाया गया है और किसके कहने के ऊपर लाया गया है। तो साथियों, मैं आपसे ये, शकील भाई, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है पूरा किसानों वाला, ये किसानों क्या चाह रहे थे? किसान चाह रहे थे, जब हमारे यहाँ पर गोली चालन हुआ मंदसौर में, 6 किसान शहीद हुए, 3 बार मेरी वहां पर गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 250 किसान संगठनों ने तय किया कि हम मिलकर के लड़ेंगे, कर्जा मुक्ति पूरा दाम, दो मुद्दे तय किए हमने, पूरे देश के अंदर जो है किसान मुक्ति यात्रा निकाली 10,000 किलोमीटर की 19 राज्यों में, और उसके बाद में हम लोगों ने 500 से ज्यादा सम्मेलन किए, 3 बार लाखों किसान दिल्ली में पहुंचे। क्यों? हम संपूर्ण कर्जा मुक्ति और सभी कृषि उत्पादों का पूरा दाम चाहते थे। तो जो, अगर ऐसा था कि जो किसान चाहता है वही करना है,
तो हम जो चाहते थे वो हमने आपको बताया, किसान जो चाहते थे वो बताया, लेकिन सरकार की मंशा क्या है वो इन तीनों बिलों से पता चल जाती है। एक बिल का नाम है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020, दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अध्यादेश 2020, और तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 का था उसमें संशोधन, तीन है। अब इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि जो किसान है उस किसान को अपने माल को APMC के अंदर जा कर के बेचना होता है, वहां पर उसका 8.5% टैक्स भी लगता है, वहां पर उसको MSP भी मिलती है। एक तो ये बात जानना जरूरी है कि MSP केवल 24 कृषि उत्पादों की मिलती है, सैकड़ों कृषि उत्पाद हैं, मतलब करीब करीब 94% जो कृषि उत्पाद हैं उसकी MSP किसान को नहीं मिलती है। तो जिसकी MSP मिलती है वो MSP भी खत्म करने के लिए मंडी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। अगर मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा रहा होता तो मंडियां आज मध्य प्रदेश से, मैं बोल रहा हूं ग्वालियर से, मध्य प्रदेश की पूरी मंडियां बंद हैं, मंडियों के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, मंडियों के जो अड़ातियां हैं वो हड़ताल करने का काम कर रहे हैं। ये वही अड़ातियां हैं जिनके बारे में 4/12/12 को सुषमा स्वराज जी ने, जब कांग्रेस पार्टी वॉलमार्ट को लाना चाहती थी, हम लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, तब सुषमा जो है स्वराज जी ने कहा था कि भाई क्या वॉलमार्ट किसान के बेटे की शादी होगी, उसको कर्जा होगा तो क्या उसको पैसा देगा, उसको तो आड़तिया पैसा देगा। और पूरा का पूरा जो सिस्टम चलता है, किसान 60-70% पैसा उसी से उठाने का काम करता है। अब आपने उसको वेलन बना दिया और कह दिया कि ये तो अपोजिशन इसके साथ है और इसके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। मंडियों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मंडी व्यवस्था से किसान कभी खुश नहीं रहा है, लेकिन कम से कम मंडी के अंदर उसको कुछ चीजों की गारंटी है। नंबर एक ये बात है कि अगर वो जाएगा अपना माल बेचेगा तो उसको भुगतान भले ही लेट होगा लेकिन उसको गारंटी है कि उसको भुगतान होने वाला है। बाहर क्या दिक्कत है, एक एक जगह पर आपको बताएंगे। अभी एक आप ही के महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर एक नूतन मालवीय जी हैं, किसान, वो महिला किसानों में काम करती हैं, वो हमारे को एक चैनल के अंदर मेरे साथ में थी और वो बता रही थी कि वर्धा के अंदर जो है 8 करोड़ रुपया गडकरी जी के साथ में कोई परिचित जो है उनका व्यक्ति था, वो किसानों से माल खरीद के ले गया और वो लापता हो गया और एक भी पैसा जो है किसान ढूंढ रहे हैं, कभी तक कभी वो मिल नहीं रहा। और ये पूरे देश की कहानी है। दूसरा आपको बताता हूं, आप ही के महाराष्ट्र में और मेरे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर मिला करके लाखों किसानों का इस बार बीज अंकुरित नहीं हुआ। बॉम्बे के हाईकोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर FIR दर्ज करो, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया और ये कहा गया कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि जो सीड एक्ट है उसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है। मतलब ये है कि जो भी लूटपाट कंपनियों के द्वारा की जाएगी, जो बाहर खरीदेंगे या जो आपके इस किसानों के साथ में जो ठेके का कॉन्ट्रैक्ट, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे, उनको उनसे बचाने का कोई इसके अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। आप न्यायालय जा नहीं सकते हैं, उसके अंदर रोक लगा दी गई है। किसके पास जाना पड़ेगा, SDM के पास जाना पड़ेगा। SDM कौन होता है, प्रशासनिक अंग होता है और आपको मालूम है कि जिसकी सरकार रहती है उसके हिसाब से SDM काम करता है, तो वो तो किसान के हिसाब से काम करेगा नहीं, वो तो कंपनियों का पक्ष लेने वाला होगा क्योंकि कंपनियां तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसको पैसा लगातार देंगी और उनके उनका प्रोटेक्शन करने का काम सरकार करेगी, उनके अधिकारी करने का काम करेंगे। ये बात हम लगातार किसान जो है पूरे देश के अनुभव करते हैं। तो सरकार ने बिलों का नाम तो बहुत अच्छा दिया लेकिन उसके भीतर जो कुछ छुपा हुआ है वो इतना खतरनाक है कि आज पंजाब और हरियाणा टोटल बंद रहा, आज 1,00,000 जगहों पर मोदी सरकार के पुतलों का दहन गांव गांव के अंदर किया गया। आपके यहां पर ही 50,000 जो है वो किसान अलग अलग जगहों पर
जो है वो उतरे अकेले एआई केस के। मैं आपको सुकर्णो समिति है आपके यहाँ पर राजू शेट्टी जी का अपना बहुत बड़ा स्वाभिमानी शेतकारी संगठन है, बहुत बड़ी ताकत है महाराष्ट्र के अंदर किसानों की, मतलब हजारों जगह पर जो है कुल मिलाकर के 10,000 से ज्यादा जगह पर रोड ब्लॉक हुआ, जाम हुआ और किसानों ने प्रोटेस्ट किया, 1,00,000 जगहों पर पुतला दहन करने का काम किया। तो अगर आप ये बताइए कि अगर किसानों के हित की बात इसमें होती तो फिर किसान ये काम करता क्या? कोई भी करा सकता है क्या किसान से? ये लोगों को बहुत गलत फहमी है, लोगों को लगता है कि आप कभी भी आंदोलन करा सकते हैं, किसी को भी पैसा दोगे कुछ हो जाएगा। तो जो ये किसान आया, मैं आज ग्वालियर के अंदर हूँ, यहाँ पर मैंने भी प्रदर्शन के अंदर हिस्सेदारी करने का काम किया था, पूरे मध्य प्रदेश में भी हुआ, अकेले बंगाल के साथी मुझे अभी बता रहे थे कि बंगाल के अंदर भी जो है 500 से ज्यादा जगह पर रोड ब्लॉक वगैरह हुए। वहां पे कर्नाटक के साथी आज हमारे बैठे हुए थे साथ में, डॉक्टर टी एन प्रकाश और बी आर पाटिल जी, वो बता रहे थे कि एक नया कसम का अलायंस वहां पर बना, गोगाड़ू करके वहां पर जगह है एक, जहां पर डॉक्टर लोहिया और गोपाल गौड़ा जो हैं उन्होंने 1951 के अंदर एक लैंड टू द टिलर का मूवमेंट शुरू किया था कि जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए। वहां से मिट्टी लेकर के किसान चला और बेंगलोर पहुंचा और बेंगलोर के अंदर एक नया यूनाइटेड फ्रंट बना। इस यूनाइटेड फ्रंट के अंदर कौन है? इसके अंदर किसान है, इसके अंदर श्रमिक है, इसके अंदर दलित है, दलित संघर्ष समिति है। अब आप ये देखिए कि नया डायनेमिक्स पूरे देश के अंदर पैदा हो रहा है। आमतौर पर क्या माना जाता है कि किसान जो है खेतिहर मजदूरों का शोषण करता है, आमतौर पर ये माना जाता है कि किसान जो है वो दलित को दबाने का काम करता है, लेकिन ये अलायंस बन रहा है, नया अलायंस बन रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम एका सबका भविष्य एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर जमीन अगर चली जाएगी, अगर अगर मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, MSP की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, FCI खत्म हो जाएगा, तो ये 1 और 2 रुपए की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी, PDS सिस्टम पूरा जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। अगर बिजली जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगी तो फिर बिजली की सब्सिडी पूरी खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो पंजाब का किसान है, आप देखिए पंजाब के अंदर क्या ताकत है। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है, आपके यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता महाराष्ट्र के अंदर शकील भाई, कि एक एक दाना खरीदा जाए, लेकिन पंजाब के अंदर एक एक दाना गेहूं का और धान का खरीदा जाता है MSP के ऊपर, निशुल्क वहां पर बिजली दी जाती है। और किसानों की कितनी बड़ी ताकत है आप ये देखिए कि सरकार भी उनके साथ खड़ी है, विपक्ष भी साथ खड़ा हुआ है, अकाली दल की जो है एक कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। और आज वहां पर जब डॉक्टर दर्शन पाल हमारे साथ आए तो उन्होंने बताया कि टोटल बंद था, और एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि उस बंद को मिडिल क्लास भी समर्थन कर रहा है, शहर के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, युवा भी समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो युवा जो है वो ये देख रहा है कि वो जो है इस कोरोना के काल में इकोनॉमी 24% जो है वो लड़खड़ा गई, 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। पहली बार आपने देखा होगा, 74 साल हो गए देश को आजाद हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सब बेरोजगारों ने मिलकर के प्रधानमंत्री के जो है जन्मदिन को जुमला दिवस बना लिया, बेरोजगारी दिवस उन्होंने मना लिया, और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे जो डिजिटल इंडिया जो उनके ट्रॉलर बैठे रहते हैं, 3,000-5,000 लोग तो पेड लोग बैठे रहते हैं मोदी जी के दलाली करने के लिए सोशल मीडिया पर, वो सब लोग पीछे रह गए और ये बेरोजगार उसके अंदर आगे निकल गए। तो मतलब ये है कि बेरोजगारों को भी ये बात समझ में आ रही है कि इस समय अगर कहीं पर कोई भी पोटेंशियल है, कोई भी संभावना है, तो वो खेती के अंदर है। आज भी खेती से 65% लोग रोजगार पाते हैं। अब आप किसान किसानी और गांव को अगर खत्म करना चाहते हो, जो कि आपके इन 3 बिलों का लक्ष्य है, तो फिर आप क्या करना चाहते हो? आप जब खेती किसानी खत्म होगी तो वो क्या होगा, कहाँ जाएगा? वो मजदूर बनेगा। मतलब आपका इरादा क्या है सरकार का? सरकार का इरादा है कि चीप लेबर इंडस्ट्री को उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए खेती किसानी खत्म होना चाहिए। अभी इनका मॉडल कहाँ से आया? ये यूरोप और अमेरिका से इनका मॉडल आया। अब वहां पर कैसी खेती है? हमारे यहाँ पर 86% जो किसान है वो 86% किसान के पास में 1 हेक्टेयर से कम खेती है, वहां पर 5,000-10,000 एकड़ खेती है। आज कर्नाटक के किसान साथियों ने बताया कि वहां पर सरकार ने फैसला किया कि अब एक परिवार 460 एकड़ जमीन ले सकता है। सोचिए आप,
आपके यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर भूमि सुधार को लेकर के बहुत आंदोलन चले, बड़े बड़े आंदोलन चले, तब जा करके जमींदारों से मुक्ति मिली जब देश आजाद हुआ और जो है किसानों के पास में जमीन आई, छोटे छोटे टुकड़े आए, लेकिन कम से कम पेट पालने का काम, सम्मान पूर्वक रहने का काम, आत्मनिर्भर जीवन जीने का काम तो वो करते हैं। छोटा मोटा कर्जा जरूर रहता है, 50,000 तक का कवराज खर्चा तो एक एवरेज है उसके पास, लेकिन वो अपना जीवन बिताता है। 5-1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है 92 के बाद में, लेकिन बाकी किसान जो है कम से कम अपना जीवन जीता है। अब आप उसको वहां से जब बेरोजगार करोगे और आप जब उसको मजदूरी के लिए तैयार करोगे तो मजदूरी का भी मार्केट नहीं है। आपने देखा कि कैसे 8 करोड़ प्रवासी श्रमिक, जिनको मैं अतिथि श्रमिक कहता हूँ, आप ही के यहाँ बम्बई से कैसे आए, पैदल आए, 850 उसमें से मर गए। हम लोग कहते रहे कि इनको आप जो है 1-1 करोड़ रुपया इनको देना चाहिए, शहीद का दर्जा देना चाहिए, नहीं दिया। 8 करोड़ लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिया जाए, इसको लेके हम लोगों ने 3-3 बार आंदोलन किया, उपवास किया, सब कुछ किया, सरकार ने एक पैसा देने का काम नहीं किया। मतलब आप नारकीय जीवन के लिए, मतलब ये लोग क्यों गए थे शहर के अंदर, आपके यहाँ बम्बई में इसलिए आते हैं क्योंकि गांव के अंदर उनके पास में काम नहीं है। और काम नहीं है का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर को जो आप डेवलप कर सकते थे आपने वो डेवलप करने का काम नहीं किया, खेती को घाटे का आपने जो है पेशा बना के रखा और अब आप उस खेती को खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहा है, किसान को ये बातें समझ में आ गई हैं। ये बात मैं आपसे, आपका जो प्रश्न था उसके उत्तर में कहना चाहता। आवाज नहीं आ रही है, सुनीलम जी, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका कहना है कि अभी जो सिस्टम आ रहा है उसमें महाराष्ट्र का किसान बंगाल में बेच सकता है अपना अनाज, बंगाल का किसान जो है उड़ीसा में बेच सकता है या देश के केरला में बेच सकता है। तो एक व्यवस्था ऐसी बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहां पर से उसे ज्यादा दाम मिलेगा वो किसान अपना दाम बेच सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि इससे कंज्यूमर को भी फायदा होगा, कंज्यूमर को भी सस्ती चीजें मिलेगी, हमारी बंबई के जो श्रमिक हैं उनको अगर सस्ता अनाज मिलेगा, और ये बिचौलिए का जो सिस्टम है वो सिस्टम खत्म हो जाएगा तो किसान को भी ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसा जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो आप उस पर शंका क्यों करते हो? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं 94% जो बाजार है कृषि उत्पादों का वो आज भी मंडियों के बाहर हो रहा है, तो 94% किसानों की तो खुशहाली होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर तो जो सिस्टम आप आज जो आप MSP का 24 आप जो कृषि उत्पादों के लिए बंद कर रहे हो वो बाकी 96% के लिए तो वही बाजार था जो अब आप सबके लिए देने वाले हो, तो फिर उनको तो खुशहाली होनी चाहिए थी। मेरे यहाँ मुल्ताई के अंदर अभी जो है 10 और 20 रुपए किलो का टमाटर वहां पर किसानों ने बेचा और मैंने ग्वालियर के अंदर 120 रुपए किलो का खरीदा, तो भाई आपकी ईनेम मंडी भी काम कर रही है जो 14 अप्रैल को आपने बाबा साहब के दिवस पे आपने घोषणा की थी। आपने जो है कहा कि इससे तो पूरा सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि किसान को ई प्लेटफॉर्म मिल गया, जहां चाहेगा वहां बेचेगा। आप बता दो क्या हुआ, आप अगर वास्तव में अगर उसमें कुछ मिलने वाला होता तो फिर अभी तक आप पूरे देश की मंडियों के 10% के अंदर भी आप नहीं पहुंच पाए ईनेम के साथ में। क्यों? 11 करोड़ किसानों में से 1 करोड़ किसान भी अभी तक जुड़ने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं जुड़ने को तैयार है? क्योंकि उसको कोई लाभ समझ में नहीं आता। मेरे यहाँ का जो किसान है इसको, इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 86% किसान 1 हेक्टेयर से कम के हैं, तो उसको तो अपने गाँव के अंदर ही बेचना है, तो गांव के अंदर कौन खरीदेगा? व्यापारी खरीदेगा, और व्यापारी क्या है, उसको कौन सा रेट देने वाला है? मेरे को जो 120 रुपए किलो ने जो उपभोक्ता मैंने खरीदा यहाँ पर टमाटर ग्वालियर के अंदर, तो वो वहां पर तो उसको 20 रुपए मिल रहा है, खरीद तो व्यापारी रहा है, वही अभी खरीदने वाला है। अभी तो छोटा छोटा व्यापारी भी कुछ कर लेता था, अब तो केवल अडानी अंबानी आएंगे, बड़े बड़े एग्रो बिजनेस वाले लोग आएंगे। तो ये जो पूरा ये जो एक जो सपना दिखा रहे हैं ये सपना जो है प्रूव्ड फेल्ड है, मतलब ये पहले से ही जो है फेल्ड है। क्योंकि आप इसका, आप देखिए इसका होता क्या है, होता ये है कि जैसे पहले बिहार के अंदर जो है वो APMC था, मंडी व्यवस्था थी, 76 में खत्म हो गई। आज पैडी जो है धान
केरल में 2800 रुपए क्विंटल सरकार खरीदती है, दिल्ली के अंदर 2600 रुपए क्विंटल सरकार खरीदती है और बिहार में 1400 रुपए क्विंटल बिकता है। आपको ये समझ लीजिए कि मंडी और बिना मंडी के अंदर क्या अंतर होता है, और फिर ये समझ लीजिए कि वो बता क्या रहे हैं। वो तो बात है कि कौआ जो है कान ले गया, अपने कान को देखना चाहिए कि मेरा कान है या नहीं है। वो कौआ ले गया जो है, कौए को तलाशते रहेंगे, तो ये कौआ तलाशवाना चाहते हैं हमारे मोदी जी। लेकिन किसान इतना मूर्ख नहीं है, उसको ये बात समझ में आ रही है कि अभी जब वो खेती जो है अपनी ठेके पे देता था, अभी भी देता है, क्या करता था गाँव के अंदर जो एक किसान मेहनती जिसके पास बहुत कम जमीन है ना, और उसका परिवार बड़ा है, अब उसको और खेती चाहिए, तो जो व्यक्ति शहर में रहता था वो अपनी जमीन बंटवारे पे देता कि भाई जितना पैदा होगा आधा तुम्हारा और आधा मेरा, चल जाता था काम। अब वो समझौता कौन करेगी? कंपनी करेगी। कंपनी की लिखित शर्तें होंगी, जैसा बैंक के अंदर होता है, जैसा इंश्योरेंस कंपनी के अंदर होता है, इतने अंग्रेजी के अंदर लंबे चौड़े इतने इतने छोटे छोटे शब्दों में लिखा रहता है, अंगूठा लगवा लेते हैं, दस्तखत करा लेते हैं। अब उसमें क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा कि भाई जो समझौते के हिसाब से करना पड़ेगा। तो समझौता क्या है? समझौता ये है कि आपको खाद बीज सब कुछ हम देंगे, ठीक है, और उसके बाद में आपका माल हम खरीदेंगे, ये वाली बात उन्होंने कही। लेकिन माल कौन सा खरीदेंगे? आज जो दिक्कत आ रही है, आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में 1925 रुपए क्विंटल का गेहूं 1500 1600 1400 रुपए में बिक रहा है, मंडियों के अंदर भी बिक रहा है, क्योंकि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। क्यों? गेहूं के अंदर चमक नहीं है, गेहूं का दाना छोटा है, गेहूं की क्वालिटी ठीक नहीं है, ये काला पड़ गया है। तो ये सब चीजें बता करके वो कंपनी वाले आपका रेट गिरा देंगे, आपका माल गिरा देंगे, कहेंगे कि भैया हमने तो आपसे कहा था इस साइज का माल होना चाहिए, इतनी चमक वाला होना चाहिए, ये एफएक्यूज का होना चाहिए, नहीं है, हम नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। अब आपने समझौता पूरा नहीं किया है तो इसकी लायबिलिटी आपके ऊपर है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सोचिए आप, इस देश के अंदर हर नागरिक 135 करोड़ नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार है, लेकिन अगर किसान का एग्रीमेंट जो है वो एग्रो बिजनेस कंपनी के साथ में है और वो कंपनी धोखा देती है तो वो अदालत में नहीं जा सकता। तो आपने किसानों को मतलब मार भी दिया और उसे चिल्लाने के लिए, न्याय पाने के लिए आपने न्यायपालिका की गुंजाइश भी खत्म कर दी। एसडीएम के पास में जाना पड़ेगा आपको, एसडीएम सरकारी दल का दबाव के अंदर रहेगा, कंपनी का आदमी होगा। तो ये सवाल है। तो इसलिए जो भी बात मोदी जी कह रहे हैं, उनको उनको जो कहा था उनको अपनी बात में उनकी याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम, उन्होंने फसल बीमा जब लेके आया तो उन्होंने कहा कि फसल बीमा से किसानों की बिल्कुल हालत सुधर जाएगी, किसान को अगर मतलब जितना एवरेज होता है उससे अगर कम एवरेज होगा तो भी उसकी भरपाई करेगी। अभी क्या हुआ आपको मालूम है? 40,000 करोड़ रुपया अगर एग्रो मतलब बीमा कंपनी ने अगर कमाया है, उसमें से 8,000-10,000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा दिया, 30,000 करोड़ रुपया सालाना बीमा कंपनियां कमा रही हैं। तो बीमा योजना किसके लिए? अभी मैंने मतलब परसों का मेरा प्रेस नोट है किसान संघर्ष समिति का, जिसमें मैंने जो है 22 जिलों का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, फिर मेरी सरकार ने मध्य प्रदेश की कहा कि नहीं नहीं ये गलत है, जो है नाम तो नहीं लिया कि डॉक्टर सुनीलम ने बयान जारी करके गलत किया है, क्योंकि वो तो नाम जब दिया था किस किसान का है ये मैंने बताया था, तो वो तो गलत नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा जी हमने एवरेज 13,000 दिया है, और फिर उसके बाद में जब हमने उसे कहा कि हमको लिस्ट दे दो तो लिस्ट तो दे नहीं सकते थे, उन्होंने कहा कि हमने मिनिमम 300 रुपए कर दिया है, कि 300 रुपए से कम पर फसल बीमा नहीं दिया जा सकता। 300 रुपए में ना तो बीज आता है, ना खाद आता है, ना पेस्टिसाइड आता है, मजदूरी तो हो ही नहीं सकती है। तो कुल मिलाकर के फसल बीमा के नाम पर भी धोखाधड़ी करने का काम किया। मोदी जी ने कहा कि हम आमदनी दुगनी करेंगे, तो आमदनी दुगनी होने की जगह पर मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, मेरा इसका रिकॉर्डिंग रहेगा आपके यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों के अंदर आत्महत्याएं दुगनी हो जाएंगी, कर्ज किसानों के ऊपर दुगना हो जाएगा, ये बात आप मेरी नोट कर लीजिएगा। और आमदनी तो आधी रह जाने वाली है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से डीजल का रेट बढ़ाया है, जिस तरीके से बिजली का निजीकरण होगा तो ये बढ़ने वाला है, जिस तरीके से मंडी व्यवस्था और एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो किसान की तो आफत आने वाली है। और ये लाई गई आफत है, और ये लाई गई आफत इसलिए है कि किसान से खेती छुड़वाना चाहते हैं मोदी जी, और अडानी अंबानी को दिलवाना चाहते हैं मोदी जी।
सुनीलम जी, आपने बोला कि ये कानून जो है किसान विरोधी है, तो अभी ये राज्यसभा में इतना किसानों का आक्रोश लेकर, इतना किसानों का विरोध लेकर, अपना राजनीतिक विरोध लेकर वो इतना हड़बड़ी में राज्यसभा में मेजोरिटी न होते हुए भी ये कानून क्यों पास किया, उसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं कि वो इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं? देखिए, ये तो उनका क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, माफ कीजिएगा, नागपुर का मामला है ना, मामला जो है गोलवरकर जी का है, मामला हेडगेवार जी का है, मामला इनकी जो फासिस्ट समझ है उसका है, ये जो प्रेरणा लेते हैं हिटलर से, मुसोलिनी का, उसका मामला है। इनका लोकतंत्र के अंदर भरोसा अगर होता तो आप ये सोचिए कि मैं तो पूरी डिबेट देख रहा था, दो दो मिनट बोलेगा एक पूरी पार्टी का आदमी, 2 मिनट बोलेगा आपके बिल के ऊपर, जिससे पूरा मतलब 80 करोड़ लोगों का जिससे भविष्य टिका हुआ उसके ऊपर 2 मिनट आप देंगे। आप पूर्व प्रधानमंत्री जो किसानों का एक हितैषी माने जाते हैं देवे गौड़ा के लिए आप 5 मिनट देंगे, है ना, और उसके बाद में आपको मालूम है कि आपके पास में मेजोरिटी नहीं है, इसलिए आप जो है वो जो सभा उपसभापति का आपने दुरुपयोग किया है ना, और उसने पूरी नाक कटवा दी, हरिवंश जो है उसने नाक कटवा दी, पूरे संसदीय लोकतंत्र की नाक कटवा दी, और इससे लोगों का संसदीय लोकतंत्र में भरोसा कम होगा। इस बात को मैं जो है शकील जी, मैं आपसे आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि देश के अंदर बहुत विस्फोटक स्थिति बन रही है। 15 करोड़ बेरोजगार, आपने लेबर लॉ खत्म कर दिए, आपने लोगों का जो राइट टू स्ट्राइक था, आपको मालूम है कि अभी जो लेबर लॉस जो पारित हुए हैं उसके अंदर क्या प्रावधान किया है, अब हड़ताल नहीं हो सकती। आपने हड़ताल का नोटिस दिया तो रिकंसिलेशन प्रोसेस को शुरू मान लिया जाएगा, और उसके बाद अगर आप हड़ताल कंटिन्यू करते हैं तो वो इलीगल होगी। इलीगल का फाइन आपको मालूम है क्या है, 20,000 से 2 लाख रुपया फाइन और 6 महीने की जेल। तो जितने लेबर लीडर हैं वो सब आपको जेल के अंदर मिलेंगे, जैसे भीमा कोरागांव वाले और अभी दिल्ली दंगे के अंदर फंसाया हुआ है। ये डर पैदा करना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर आप पूरा सब कुछ, ये देश तुम कहते हो आत्मनिर्भरता, अरे सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर तो इस देश का किसान था, है ना, तुम उसको भी गुलाम बनाने का काम कर रहे हो। जो अपना मजदूर करता था, मजदूरी करता था, तुम उसको गुलाम बना रहे हो। अरे 8 घंटे पाने के लिए पूरी क्रांति हुई थी जिसे मई दिवस कहा जाता है ना, और जो है पूरे दुनिया के अंदर जो है लोग श्रमिक जो है वो मई दिवस मनाते हैं। अब 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करो, प्राइवेट जो आपके यहाँ पे जितने महाराष्ट्र से लेके पूरे देश के अंदर जो है फर्में हैं 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम लेती हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरे देश की पॉपुलेशन को आप गुलाम बना करके आप काम लेना चाहते हो, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी चंपारण में लेती थी, जिसको चैलेंज गांधी जी ने किया था। अभी चैलेंज किसान संगठन कर रहे हैं, वो किसानों को कंपनियों का गुलाम नहीं होने देंगे, और इसके लिए एक व्यापक एकता बन रही है, और एक व्यापक एकता का पंजाब नमूना है। और अब पूरे देश के अंदर एक मांग शुरू कर दी है हम लोगों ने, और वो मांग ये है कि जो स्टेट असेंबलीज हैं उनको घेरा जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि आप स्पेशल सेशन बुलाओ और आप ये कहो कि हमारे राज्य के अंदर ये बिल या जो भी कानून है वो लागू नहीं होगा। पंजाब से आंदोलन शुरू हो रहा है, ये बात बंगाल के अंदर भी कही जा रही है, ये बात कम से कम 6 राज्य जहां पर हैं, भूपेश बघेल जी ने तो शायद बोल दिया है, मैंने बयान देखा तो नहीं लेकिन मैंने सुना है, उन्होंने तो दे दिया है ना। तो 6 राज्य सरकारें अगर कह देंगी कि आपने जो कानून बनाया है वो अपने वहां पर आप रखिए, तो पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि मामला जो है आप समझिए कि मामला कृषि का है, कृषि राज्य का सब्जेक्ट है, भूमि सुधार जो है वो मामला राज्य का है, और आपने जो है सब कुछ खत्म कर दिया, तो राज्य को तो जो है पहले ही खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले खड़े नहीं हुए। खड़े तो इन्हें तभी हो जाना चाहिए था जब 370 हटा था कश्मीर से, तभी जो है जब 3-3 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाल दिया गया था, तो इस प्रदेश देश के हर चीफ मिनिस्टर को समझ में आ जाना चाहिए था, खतरे की घंटी बज जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बज रही है। लोग जो है मौज के अंदर हैं, उन्हें लग रहा है कि अडानी अंबानी उन्हें बचा लेगा और अडानी अंबानी देश चला लेगा, और उन्हें लगता है कि ईवीएम की मदद से हम सरकार जो चुनाव जीतते रहेंगे और सरकार चलाते रहेंगे। जनता जब सड़क पर आ जाती है तो फिर आपने देखा किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में चला था मंदसौर वाला,
सरकारें पलट गई थी, तीन तीन सरकारें पलटी है हमने, मध्य प्रदेश में पलटी, राजस्थान के अंदर पलटी और छत्तीसगढ़ के अंदर पलटी। ये सब आप लोगों ने, पूरे देश ने देखा है किसान की ताकत, किसान ने बताने का काम किया है। तो किसान को यही माना जाता है कि ये तो जो है बिना पढ़ा लिखा है, मूर्ख है, इसे तो कुछ समझ में आता नहीं है, पूरी बुद्धि जो है वो नागपुर के अंदर ही जो है पूरी सेंटर्ड है, बाकी किसी के पास में बुद्धि नहीं है। तो भाई किसानों ने तो अपना बिल बना दिया था, किसानों ने तो अपना बिल पेश कर दिया था, किसानों ने तो उसके लिए कहा और 22 पार्टियों ने उसका समर्थन किया। कांग्रेस के खड़गे जी थे, आपके यहाँ के शरद पवार साहब थे वहां पर, 22 पार्टियों के टॉप मोस्ट लीडर घंटों घंटों हमारे साथ बैठे और उन्होंने ये बिल एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमारे साथ में डिस्कस किए। और हमने, राजू शेट्टी जी ने आपके यहाँ के महाराष्ट्र के, उन्होंने पेश किया था लोकसभा के अंदर, उसके बाद राज्यसभा के अंदर राजेश जी ने CPM के पेश करने का काम किया था। हम चाहते थे कि वो बिल पारित होते ताकि देश के किसानों को राहत मिलती, खेती किसानी बचती, लेकिन सरकार ने ठीक विपरीत काम किया है, किसानों के पेट पर लात मारने का, उनके हितों को खत्म करने का, कॉरपोरेट के को खेती सौंपने का फैसला किया है। सुनीलम जी, ये कहा जाता है कि ये जो आंदोलन होते हैं किसानों के, वो बड़े किसानों के होते हैं जिनके पास काफी जमीन होती है, लेकिन जो एकदम जिसके पास खेती नहीं है लेकिन खेत मजदूर के वैसे काम करता है, या जिसके पास बहुत ही कम खेती है उसके लिए तो इनके इनके पास काम करो या उनके पास काम करो, उनके जीवन में तो कोई फर्क नहीं आने वाला, तो उनको उनको तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, ये पुराने जमाने की बात है, नए जमाने की बात यह है कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जब अभी कॉरपोरेट भगाओ किसानी बचाओ, जब आंदोलन 9 अगस्त को जब आपके यहाँ पर बंबई में भारत छोड़ो का जो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली जी ने, गांधी जी ने जो कॉल दिया था, और उसके बाद में देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 42 से और 47 तक लगातार जो है वो संघर्ष चला था, ये आप जानते हैं। इसी तरीके का ऐलान हमने 9 अगस्त को हमने किया। उस समय 50,000 गांव के अंदर हमने ऑर्डिनेंसेस को जलाने का काम किया था। मतलब ये है कि गांव गांव के अंदर ही लड़ाई, तो सही है, सब बड़े किसान नहीं थे। 9 मुद्दे क्या थे, उसके अंदर मुद्दा ये भी था कि हर गांव के अंदर 200 दिन का मनरेगा का काम जो है वो दिया जाना चाहिए, असेंशियली आवश्यक तौर पर। ये भी था उसके अंदर कि हर गरीब को जो है 1 और 2 रुपए किलो का अनाज फूड सिक्योरिटी के तौर पर उसको दिया जाना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक जो कंट्रडिक्शन था, बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन था समाज के अंदर, कि जो किसान है वो किसान को अपना देख दुश्मन के तौर पर खेतिहर मजदूर देखता था, दलित देखता था। अभी ये बात खत्म हुई है, सबको ये समझ में आ गया है कि हमारा पेट एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। किसान के पास में आमदनी होगी तो फिर खेतिहर मजदूर को भी मजदूरी मिलेगी, और अगर खेत के अंदर ही काम नहीं होगा तो फिर खेतिहर मजदूर को भी मजदूरी नहीं मिलेगी। हम लोग तो चाहते हैं कि 500 रुपया दिन कम से कम उसको न्यूनतम उसको मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हमने ये भी कहा था कि मनरेगा के अंदर, अभी जब बोनी का टाइम आया था, अब तो वो फिर फसल कटनी की बात हो गई, लेकिन जब बोनी चल रही थी तब हमने कहा था कि मनरेगा के अंदर अगर आप ये कर देते हो कि खेतिहर मजदूर किसानों के खेत के अंदर बोनी का काम करेगा और उसका मनरेगा से पैसा दिया जाएगा, तो किसान को भी मदद मिलेगी, आर्थिक तौर पे उसकी मजदूरी बचेगी और किसान और जो है खेतिहर मजदूरों को भी मजदूरी देने का काम होगा। और जब पैसा कैसे आएगा, ये सोचिए ना, सबसे बड़ा संकट क्या है, परचेसिंग पावर नहीं है, संकट ये है, पैसे की कमी नहीं है। बजट जो है वो 29 लाख करोड़ का है इस देश का, एक एक आदमी के पास, आपके यहाँ पर बंबई के अंदर वो कितनी 38 मंजिल की लेके बैठा हुआ जो अंबानी है ना, उसकी बिल्डिंग, उसके पास 5 लाख करोड़ रुपया है और उनका पैसा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, ये पैसे का जो है जो लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये नई किस्म की गुलामी ग्रामीण क्षेत्र में लादना चाहते हैं, किसानों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर लादना चाहते हैं, और श्रमिकों की स्थिति तो गुलामों से भी बदतर करना चाहते हैं कि इंटरस्टेट
माइग्रेंट वर्कर्स वाला जो कानून बना हुआ था है ना, 79 से लागू है, लेकिन उसका कुछ हुआ ही नहीं। अगर उसका होता तो जो लोग आए थे मजदूर, जिस जगह से आए थे और जहां पर आए थे, दोनों जगह पर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, उसकी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए थी सही। उसका पैसे की जो है, सरकार ने कह दिया कि 3 महीने का पैसा देना चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स को, नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि कोई हिसाब किताब करने वाला ही नहीं है, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। यहां तक कि आप सोचिए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ट्रेन ही नहीं घुसने देंगे, क्यों नहीं घुसने देंगे, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ट्रेन ही नहीं आने देंगे, क्यों नहीं आने देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मजदूर जो है वहां पर खटता रहे, मरता रहे लेकिन खटता रहे, है ना। तो इसलिए वो पूंजी की गुलामी करवाना चाहते हैं मजदूरों से, उनका जीवन नारकी बना करके रखना चाहते हैं, कायदे से उनके लिए न्यूनतम वेजेस से लेकर के वर्किंग कंडीशंस के अंदर सुधार, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ किसानों के कानून लेकर के आए, सब कुछ जो खत्म किया, मजदूरों के कानून लेकर के आए, सब उनके श्रमिक अधिकार खत्म करने का काम किया, तो आप पूरा का इसलिए देश ने आपको नहीं चुना था कि आप लोगों को गुलाम बना दें और आप केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए काम करें, कॉरपोरेट के लिए काम करें। आप नारा लगाएं आत्मनिर्भरता का और आप डिफेंस की 41 जो पुर्जा बनाने वाली कंपनियां हैं उसको बेचने का काम करें। आप सोचिए, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा क्या कि जो अपने रक्षा का जो सामान बनता है जहां पर, उसको भी बेच दे रहा है प्राइवेट लोगों को? क्या सुरक्षा बचने वाली है? आप समझ सकते हैं। तो एक तरीके से ये राष्ट्रद्रोही सरकार इस देश के अंदर काम कर रही है, लेकिन लोगों के बीच में जागरूकता की कमी है, और उसके अंदर अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, बढ़ेगी। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक डर का माहौल पैदा किया हुआ है मोदी जी ने। क्या माहौल पैदा किया हुआ है? भीमा कोरा गांव के 15 लोगों को बंद किया, उनकी कोई जमानत नहीं, यूएपीए लगा दिया। दिल्ली दंगों के अंदर 15 लोगों को बंद कर दिया और बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर के आए, पूरा देश को डराने का काम किया। तो भाई, अब किसान तो लाखों आ गए सड़क के ऊपर, इनको बंद कर दो ना। पंजाब के किसानों को 31 संगठन इकट्ठे हुए हैं किसानों के, ये जितने अध्यक्ष हैं इनको बंद कर लो, लगा दो यूएपीए इनके ऊपर, तब तुम्हारे को तुम्हारी औकात और हैसियत सरकार की मालूम पड़ जाएगी। करो तो सही, है ना। तो तुम तो जो है केवल लोगों को डरा करके रखना चाहते हो, है ना। तुम्हारी हिम्मत है तो हैं, तो श्रमिक संगठन लगातार कॉल दे रहे हैं ना, डिफेंस के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं, कोयले के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी रेलवे के अंदर स्ट्राइक जो है वो प्रपोज चल रही है। करो कार्रवाई, मुकाबला होगा, लोग मुकाबला करेंगे। इसलिए लोग मुकाबला करेंगे कि ये देश हम सबका है, 135 करोड़ नागरिकों का देश है, हम भारत के लोगों का ये देश है। ये देश कोई मोदी अमित शाह का या अडानी अंबानी का नहीं है, ये बात देश का नागरिक समझ रहा है। जितने जल्दी समझेगा उतने जल्दी मैदान में आएगा, और ये सब ओपिनियन मेकर्स जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो मीडिया के चक्कर में, गोदी मीडिया के चक्कर में फंसे रहते हैं। अगर आपके वाले जैसे कुछ चैनल वैनल देखना कुछ चालू करें तो शायद कुछ उसमें सुधार हो उनके ओपिनियन में, क्योंकि उनका दिमाग कुछ खुले। वो तो एक ही तरह का उनको दिखता है, तो एक तरीके का एडिक्शन पैदा हो जाता है ना, कि आप देविका पादुकोणे को जेल जाते हुए देखना है, बस वही है, उसी की इच्छा के अंदर बैठे हुए हैं। फिर कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तो एक अफीम किस्म का जो है नशा लगा करके इन्होंने रखने का काम किया है। लेकिन ये ठग विद्या ज्यादा समय तक काम आने वाली नहीं है, ये बात मैं शकील भाई कहना चाहता हूँ। सुनीलम जी, आखिरी सवाल मेरा है कि आज मैंने जब टीवी ऑन किया या देखने की कोशिश की तो बिहार इलेक्शन चल रहा था, किसानों का मुद्दा तो कहीं था नहीं। तो ऐसे समय में जो है किसानों के आंदोलन होते हैं और कहीं 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 थोड़ा सोशल मीडिया में दिखते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आज से आपने आंदोलन शुरू किया है, तो आप किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? आपकी आपके आंदोलन की आगे की भूमिका और किस तरह से यह संघर्ष होगा जब कि मीडिया भी नहीं है आपके साथ, सरकार भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो ये परिस्थिति में, और मोदी जो चाहते हैं वो करते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के खिलाफ में जब आंदोलन चला था वो कोई पूंजी के आधार पर नहीं चला था, मीडिया के सपोर्ट के आधार पर नहीं चला था, और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग भी नहीं थे, ये बात भी आप जानते हैं। बीच बीच के जो बड़े बड़े आंदोलन हुए उसके अंदर लोग उतरे, लेकिन मासेस का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन उस समय भी नहीं था। इस समय जो अब स्थिति बन रही है वो, इस समय जो पूंजीपति है
वो पूंजीपति जो बड़े पूंजीपति हैं उनका तो उन्हें तो लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ किसी के साथ में अपना जोड़ घटाना कर लेंगे और वो बच जाएंगे। लेकिन बाकी सबको भी समझ में आ रहा है कि आज अगर व्यापारी मंडी के अगर हड़ताल कर रहे हैं, पूरी मंडियां अगर जो है वो बंद हैं, तो फिर व्यापारी क्यों हड़ताल कर रहा है? क्योंकि उसको भी अपना भविष्य जो है असुरक्षित समझ में आ रहा है। और लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है कि बाजारवाद उन्हें बचा नहीं सकता। अगर बचाएगा तो वेलफेयर स्टेट उन्हें बचाएगा, अगर उनको कोई स्वास्थ्य का करेगा, अगर कोरोना से कोई बचाएगा तो सरकारी अस्पताल बचाएंगे, नर्सिंग होम उन्हें नहीं बचाएंगे। ये बात उन्हें जो अगर पढ़ाई होगा तो सरकारी अस्पताल जो स्कूल है उसी के अंदर आम लोगों की पढ़ाई होगी। तो ये जो पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मतलब कि आपने 600 स्टेशन बेच दिए, जो है कुछ ट्रैक आपने बेच दिए, पूरे के पूरे जो है हर जगह पर सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, अस्पतालों को भी बंद करके पूरे आप जो है प्राइवेट प्लेयर्स को आप देना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये बात लोग समझ रहे हैं। और हम लोगों ने जो है, हम लोग जो भी कुछ फैसला करते हैं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के लोग वो अपने वर्किंग ग्रुप के अंदर करते हैं, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी, हम लोग तय करेंगे। लेकिन 9 अगस्त को हम लोगों ने घोषणा कर दी थी कि हमारा कॉरपोरेट भगाओ किसानी बचाओ ऑन गोइंग प्रोग्राम है, ऑन गोइंग आंदोलन है, ये एक दिन का इवेंट नहीं है। इवेंट मैनेजर जो है वो मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, हम लोग इवेंट नहीं करते हैं। गांव के अंदर रहने वाला किसान है, जब कभी उसको कॉल दिया जाएगा वो उठ करके खड़ा हो जाएगा और पूरी ताकत से लड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अब श्रमिक भी साथ में हैं, अब बेरोजगार और युवा संगठन के लोग भी साथ में हैं, महिला संगठन साथ आ रहे हैं, आदिवासी संगठन साथ आ रहे हैं। 27 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग रखी है, पूरे देश के सब नेटवर्क्स की मीटिंग रखी है, और उस मीटिंग के अंदर हम लोग पूरे राष्ट्रव्यापी एक व्यापक आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तय करने जा रहे हैं कि 2 अक्टूबर को क्या हो सकता है। और संविधान बचाओ देश बचाओ जो जैसा जो है संविधान दिवस के ऊपर 26 नवंबर को क्या हो सकता है, बहुत सारी तैयारियां दिसंबर से लेकर के और जनवरी और पूरा एक बड़ा जो है शेड्यूलिंग की हुई है। देश के को जो लोग देश के हित को सर्वोच्च मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि इस देश पर 135 करोड़ लोगों का अधिकार है, ये देश हम भारत के लोगों का है, वो लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हमारे जैसे लोग जो हैं उनको तो पहले से ही आजीवन कारावास है, तो इसलिए हमारे को कोई जेल की चिंता नहीं है। 9 बार जानलेवा हमारे ऊपर हमला हो चुका है, तो इसलिए कोई जान का भी बहुत ज्यादा चिंता का मसला नहीं है। और ऐसे लोगों की संख्या लाखों के अंदर है, और ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पंजाब के अभी जब मेरे साथ एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे पंजाब के मूवमेंट की सबसे खास बात ये रही कि इसको लीड कर रहा है युवा। ये अपने आप में एक नई चीज है। ये आपसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग जो किसान संगठन चला रहे हैं, हम लोगों ने जब शुरू किया था तब हम ये कह रहे थे खेती मर रही है, हम इसको जिंदा करना चाहते हैं, कोई खेती किसानी करना नहीं चाहता, किसान का बच्चा जो है वो खेती किसानी नहीं करना चाहता। लेकिन आज बच्चे आगे आ रहे हैं, युवा आगे आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें खेती से क्या निकालना है, क्या करना है, सब उन्हें गणित समझ में आता है, नेशनल इंटरनेशनल सब मार्केट वो समझते हैं, और वो अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि एक नई संभावना इस देश के अंदर मजबूत किसान आंदोलन की पैदा हो रही है, जिसकी एक झलक पूरे देश ने आज देखी है। गोदी मीडिया भले ही कुछ ना दिखाए, लेकिन जब रोड ब्लॉक हो जाता है तो लोगों को देखना पड़ता है ना, तो वो अखबार में देखें ना देखें, लेकिन प्रत्यक्ष में सड़क पर तो देखेंगे देखेंगे ना, और वो दिखाने का काम संगठन लोग संगठन करते रहेंगे, है ना। ये वाली बात मुझे लगता है कि इसलिए बहुत आशावादी चित्र मैं देखता हूँ आने वाले समय के अंदर जन आंदोलनों का और आने वाले समय में परिवर्तन का। सुनीलम जी, एक प्रश्न आया है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे श्रोता से, कि उनका कहना है कि ये जो बिल पास हुआ, जिस तरह से ये कानून बना और ये अभी राष्ट्रपति के पास गया है, तो आप राष्ट्रपति से अपील करेंगे कि ये कानून जो है सही तरीके से पास नहीं हुआ है और प्रक्रिया पूरी नहीं किया है, तो इसे वापस भेजा जाए, इस बारे में आप कुछ करने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने आज पूरे देश में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, और हमने उसे कहा है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार जो भारत का संविधान देता है वो सबको मिलना चाहिए,
और आप भी खुद एक दलित परिवार से आते हैं, एक खेती किसानी करने वाले परिवार से आते हैं, तो उन्हें इस बात का दर्द उन्हें समझना चाहिए और उन्हें ये बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देना चाहिए, ये उनका अधिकार है। 18 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी उनके पास गए थे, उनसे मुलाकात की थी, उनसे कहा था, और हम तो उनके पास में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के लोग पहले मिल करके आए थे, अपने दो बिल उनको सौंप के आए थे, उनसे कह करके आए थे कि अगर देश के किसानों के हित में आपको योगदान करना चाहते हैं तो आप सरकार को परामर्श दीजिए कि ये बिल को वो कंसिडर करें और इन बिलों को पारित करने का काम करें। तो हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की जो है वो आत्मा की आवाज आ सकती है, उसका जमीर जो है वो जाग सकता है। बाकी तो आपको मालूम ही है, राष्ट्रपति को तो एक रबर स्टैंप के तौर पर रखा गया है इस देश के अंदर और सरकारें उनका ऐसी दुरुपयोग करती रही हैं, लेकिन हम लोग जो है सभी तरीके के प्रयास किसान आंदोलन के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कर रहे हैं। केरला सरकार ने कहा है कि हम जो है इसको कोर्ट के अंदर भी चैलेंज करने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग इसे किसानों जो लोग हैं वो इसे सड़कों पर चैलेंज करने का काम करेंगे, जो क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट भी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के को जो है वो टाइम नहीं है, 1000 कश्मीर के जो हैवीएस्ट कॉर्पस लगी हुई है उनको सुनने के लिए, उनके पास में टाइम है कि तीन तीन चार चार दिन लगा करके घंटों घंटे जो है वो प्रशांत भूषण के ऊपर जो है अवमानना का केस चलाने का उनके पास में टाइम है ना। तो जो कोर्ट से भी बहुत ज्यादा उम्मीद जो है हम लोग रखते नहीं है, हालांकि बीच बीच में ऐसे फैसले आते हैं, कुछ जजेस ऐसे जरूर हैं वो जो जनता के बारे में सोचते हैं, जैसे पीएन भगवती जी टाइप, कृष्णा अय्यर जी टाइप जो है जजेस आज भी जो है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ कम है, हाई कोर्ट्स में कुछ ज्यादा है, और इसलिए कई बार हाई कोर्ट्स के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो जाता है, ये सब भी आपने देखा है। तो हम लोगों का प्रयास तो हमारा जो है न्यायपालिका में भी भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा अपनी ताकत के ऊपर है, किसानों की ताकत के ऊपर है, और इसीलिए हम मानते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम है किसानों को जागृत करना और उनको संगठित करना। तो जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, यही किसान आंदोलन का एक नारा है और उसी नारे के साथ में हम लोग काम अपना कर रहे हैं। सुनीलम जी, जो आपने बहुजन संवाद शुरू किया है, तो हमारे श्रोताओं को भी बताइए थोड़ा सा, वो भी बहुजन संवाद से जुड़ सकें। जी देखिए, बहुजन संवाद जो है हम लोगों को ऐसा लगा कि बहुजन विचारकों की जो आवाज़ है वो गोदी मीडिया तो कभी अपने हाथ में लेता नहीं है, और इसलिए उनकी आवाज़ आनी चाहिए और वो हम लोगों के प्रयास से ही संभव हो सकता है। 400 जो अभी तक बहुजन विचारक आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुजन संवाद की ओर से भी, कि जनता का आईना ने उसके महत्व को समझा और बहुत सारे प्रोग्राम्स, विशेष तौर पर गांधी अंबेडकर संवाद जो था उसको आपने जो है रिले करने का काम किया, तमाम सारा भी स्त्री दलित जो विमर्श था उसको भी आपने लाइव दिखाने का काम किया। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आपको ज्ञान जो है वो उसकी बराबर इच्छा रहना चाहिए, आपका अंदर एक जिज्ञासु जो भाव है वो रहना चाहिए, छात्र छात्रा वाला भाव आपके अंदर रहना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए, कूपमंडूक बन करके एक किस्म की खबरें पढ़ के, एक किस्म की खबरें देख करके आप अपना मन बनाने का काम मत करिए, आपको अल्टरनेटिव सोच को भी आपको देखना चाहिए। और इस देश के अंदर जो है अगर बहुसंख्यक जो है वो बहुजन ही है तो फिर पॉलिटिक्स भी उसकी चलनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी उसकी चलना चाहिए, और भारत का संविधान तो उसके लिए बना ही है। तो इसलिए हमारी ये अपील है जो दर्शक हैं जनता का आईना के, और जो है जो बहुजन संवाद के अंदर भी बहुत सारे फैन हैं शकील भाई आपके, और जो है आपका जिस तरीके का सपोर्ट मिला है उसके लिए हम भी बहुत आभारी हैं, और उम्मीद हम ये करते हैं कि आपके जो दर्शक हैं वो इसमें और भी ज़्यादा रुचि लेंगे और हम लोगों को उनके हितों के बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें कहीं पर नहीं मिलती है वो इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, ऐसे वक्ता जो बहुत ही प्रामाणिक वक्ता हैं, बहुत ही विद्वान वक्ता हैं, उनको लाने की कोशिश हमारी होती है, जिन विषयों पर कोई गोदी मीडिया चर्चा नहीं करता उन विषयों पर चर्चा करने का हम काम करते हैं। इसलिए जिन लोगों को दिमागी खुराक चाहिए, जिन लोगों को समाज
में कुछ करने की मंशा है, जो लोग सामाजिक बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं उनको बहुजन संवाद से और जनता का आईना के साथ में जुड़ने का काम जरूर करना चाहिए। आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शकील भाई। सुनील भाई, सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी, आपने इतना समय दिया और अपनी बात रखी और पूरा विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया कि ये पूरा आंदोलन क्या है, और जनता का आईना की तरफ से मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ और कि हर एक लड़ाई में, किसानों की लड़ाई में, जनता का आईना किसानों के साथ खड़ा रहेगा, और कोई मीडिया आए नहीं लेकिन ये जनता का आईना जरूर आपको हमेशा मदद करेगा, और आप जैसे कार्यकर्ता हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। धन्यवाद।